जो भी राजनीतिक दल गांधी जी और गांधी जी के ख्यालों को गले लगाता है वो कभी ऐसी भाषा बोल नहीं सकता। और जो आज मैं भारत देख रहा हूँ ये गांधी जी का भारत नहीं है। जो लोग ऐसे स्लोगन करते हैं कि देश के गद्दारों को, जब पहली लाइन बोलते हैं तो उनको मालूम होता है कि जनता क्या बोलेगी, क्योंकि उनको सिखा रखा है। शुरुआत भाजपा ने ही की थी और कुछ इनके लोगों ने, मंत्रियों ने रैलियां निकाली और ये कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो गोली मारने का क्या मतलब है? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इस स्लोगन पे आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, आज तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, आज तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, आज तक गृह मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, आज तक प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। और ये साफ साफ आईपीसी के कई सेक्शंस का उल्लंघन है। मतलब कि सब लोग अगर वो ऐसी बात करते हैं तो वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकार की ओर और बीजेपी की ओर से आ रहा है तो कोई इस पे कदम नहीं उठा रहा। और अगर ऐसे ही भारत में बातें होती रहीं और ऐसे ही राजनीतिक दल ऐसे शब्द और ऐसी भावनाएं भड़काते रहे तो आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र का क्या होगा।